मोहनगढ़ थाने के टीला दांत बांध में सुबह से 70 वर्ष के बुजुर्ग श्यामलाल यादव की पानी के ऊपर तैरती हुई लाश मिली है। परिजनों ने मोहनगढ़ थाना प्रभारी को बताया कि मेरा घर कुआं टीला दांत बांध के पास है, जहां रोज की तरह मेरे पिताजी भैंस चराने गए थे। भैंस चरते चरते बांध की दूसरी ओर चली गई, जिसे वापस लाने के लिए मेरे पिताजी पानी में उतर के बांध की दूसरी ओर निकले, जिस कारण से वो बांध में डूब गए। जब हम लोग कुएं पर आए तो पिताजी के कपड़े बबूल के पेड़ पर टंगे मिले तथा चश्मा पानी के किनारे जूतों में रखा था। हम लोगों ने शंका होने पर पिताजी को जोर जोर से पुकारा, मगर वापस कोई आवाज़ नहीं मिली, जिससे हम लोगों को शंका हुई कि पिताजी बांध में डूब गए। अगले दिन सुबह पिताजी की लाश पानी में ऊपर तैरती हुई मिली, जिसे मोहनगढ़ पुलिस की सहायता से बाहर निकाला गया। मोहनगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय भेजा। मोहनगढ़ से अध्यक्ष शुक्ला की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।